सर यहाँ पे जो अभी सिचुएशन बन रही है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रफली 35 डेज बाकी है अप्रॉक्सीमेटली, या ठीक है, और 90 to 100 चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं। तो अगर लेके चलें तो लगभग एक मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं 3 चैप्टर्स पर डे। ठीक है सर, जैसा कि आपने इनिशियल कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं बताया कि भाई बच्चा बहुत अच्छा भी हो या नॉर्मल हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, जो भी हो, उसको सबसे पहले पेपर भी इसी तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए या प्रिपरेशन भी इसी तरीके से अपनी प्लान करनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो अपना वो 40% या मतलब टॉप 10,000 में रैंक सिक्योर कर ले, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर बच्चे में अगर कैलिबर है, बच्चे को लगता है कि उतना पोटेंशियल लगता है, तो फिर वो 1000 की तरफ देख के, और फिर वो अगर उसको लगता है कि नहीं 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 हम तो भाई बिल्कुल टॉप 100 मटेरियल या टॉप 50 मटेरियल, तब वहाँ तक जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपके सामने पुट करूँ तो 10,000 रैंक सर रफली जैसे मान लेते हैं 40% पर आ जाती है। ठीक है, हाँ, मतलब इतना आ जाएगा तो आप सिक्योर हैं कहीं ना कहीं कि हाँ आप 10,000 के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो अगर सर बच्चों को आपको ये सजेस्ट करना हो कि भाई सिर्फ आपको 40% मार्क्स लेके आए, हाँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हमें अभी देख रहे हैं उनका हो कि नहीं नहीं सर आप जो भी बातें कह रहे हैं अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 40% ही मार्क्स थी, मुझे उससे ज़्यादा लाना ही नहीं। तो उसके हिसाब से सर वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट? क्योंकि कुछ लोगों का लॉजिक इसमें थोड़ा, एक समय और लूँगा कि थोड़ा लॉजिक ये भी रहता है कि भाई जैसे मान लो हम तो, मेरी एक्यूरेसी मान लो 70% है, ठीक है, तो हम तो टॉपिक्स ही 70% पिक करेंगे, 70% की 70% एक्यूरेसी, तो हमारे 50% मार्क्स आ जाएंगे, 49% जो भी होता है। तो इस पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? दैट्स अ फेयरली गुड आइडिया। देखो पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी कहा था, आई रिपीट एंड डोंट गेट मी रॉन्ग कि हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो कि बहुत डायल्यूट परफॉर्मेंस देने की सोच रहे हैं। ये हर एक बच्चे के लिए वैलिड है, अगेन आप रैंक 1 भी क्यों ना लाना चाहते हो तब भी। सबसे पहले तो पहली सीढ़ी चढ़िए, मेक श्योर कि आपके एश्योर्ड मिनिमम 40-45% मार्क्स तो आ ही जाएं, है ना। और ये मिनिमम 40-45% मार्क्स आने के लिए आपको जो स्ट्रैटेजी है वो न सिर्फ टॉपिक्स के सिलेक्शन की अलग रखनी पड़ेगी, पेपर देने की भी स्ट्रैटेजीज की अलग है ना। पेपर क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर पेपर को बोर्ड के एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं, हाँ ना। बोर्ड का एटीट्यूड क्या होता है? जैसे बोर्ड में क्या होता है, उनको अभी तक स्कूल में लगातार ये ट्रेनिंग मिली होती है कि उन्हें 100% पेपर करना है, उन्हें सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ करना है, और बोर्ड में डेप्थ तो कुछ होती नहीं, एक बहुत सुपरफिशियल भी आपको 2 नंबर की सॉलिड स्टेट आएगी, 4 तरह के क्वेश्चन हैं, 1 तरह का फिक्स्ड आ जाएगा, और आप पिछले 5 साल के पेपर कर लें तो ये भी प्रेडिक्ट हो जाएगा कि छठे साल का क्या है। वो तो उनको बड़े फंडे उनके क्लियर होते हैं उस टाइप से, है ना। तो वो उस तरीके से उसको कर लेते हैं जैसे तैसे। अब बोर्ड की अपनी खूबसूरती है, खूबसूरती क्या है कि उसमें, मतलब क्षमा चाहूँगा पर उसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। वो आप एक फिक्स रटा पैटर्न है, आपने तो उसमें अगर आप 2-2.5 महीने भी बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं और आप बहुत, मतलब नहीं भी आपको कुछ नहीं आता समझ में, तो भी आपके बोर्ड में लगभग पूरे नंबर आ सकते हैं। ये खूबसूरती है बोर्ड एग्जाम की, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो लेकिन अगर आप जेई की बात करें तो जेई में सब कुछ करने से ये भी हो सकता है कि कुछ ना आए, है ना। तो आप इसमें सिलेक्शन, इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने भी कहा था कि हम कुछ चैप्टर्स पर फोकस करें। बिल्कुल, सबसे पहला काम ये करना है, हमें इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल मतलब अरे मुझे तो रोटेशन पसंद है, रोटेशन ना हो तो जिंदगी में क्या बच जाएगा, नहीं बहुत कुछ बच जाएगा जिंदगी में, है ना। कुछ नहीं है ऐसा, है ना। हमें जो सबसे पहले लाइंस, जो चैप्टर टफ लगते हैं, बोर्ड की स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले उनको निपटाओ। जेई की स्ट्रैटेजी है कि जो जो आपको बुरा लगता है उसे गोली मार दो, मत देखो, देखो ही मत। क्यों? आज तक जिससे दोस्ती नहीं हुई आगे भी नहीं होगी, है ना। 1 महीना बचा है, ऐसी तैसी उसकी जाए, भाड़ में जाए, है ना। बहुत टफ पोर्शन अगर आप देखोगे तो 20% है जेई का, बहुत वो 30% है। तो 20 से 30% बहुत ही टिपिकल पोर्शन है, 30 भी नहीं है, 20-25 मानो मैक्सिमम। और उसको करने में आपकी मैक्सिमम ऊर्जा, लगभग 60-70% एनर्जी उस आपके 20% सिलेबस में लग जाती है। अब छोड़ दीजिए उसे, नहीं आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चैप्टर टफ है तो आप उसे सिर्फ, अगेन यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार चीज़ बोल रहा हूँ, पूरा मत छोड़िए। मतलब बोर्ड लेवल का कर लीजिए। बोर्ड की तो तैयारी करिए ना वैसे भी, है ना। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि नहीं नहीं मैं तो इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल्स छोड़ देना चाहता हूँ, ये बड़ा चैप्टर है ना। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात और बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा चैप्टर हो यू कैन ऑलवेज अफोर्ड टू लीव इट, है ना। आपको लगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल बहुत ही मुझे गंदे लगते हैं और मुझसे नहीं होते और मैंने छोड़ना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आपने छोड़े, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल एक टॉपिक का लेके बता रहा हूँ। तो उसमें एटलीस्ट मोटे मोटे जो फॉर्मूले बोर्ड लायक आपने करे थे वो तो रिवाइज कर लीजिए। कभी कभी क्या लगभग 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि उसका ऐसा कूड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, जो दिखते ही आपसे भी हो जाएगा। आप तो डरे हुए हो किससे? एक्सरसाइज 2 से, टफ क्वेश्चन से, क्योंकि आप तो एडवांस की तैयारी में सबसे खतरनाक चीजें कर रहे हो। लेकिन कई बार उसके बहुत आसान चीजें आ जाती हैं, बहुत ईजी आ जाती हैं, है ना। तो तब पश्चाताप ना हो कि आपने छोड़ दिया। मुझे ध्यान आता है जब मैंने जेई दिया था, आई गेव जेई 94, और उसमें पहले साल कोनिक सेक्शंस इंक्लूड हुए थे। अच्छा। हाँ, उसके पहले तक जेई के मैथ्स के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन और सर्कल थे, कोनिक था ही नहीं, है ना। अच्छे दिन थे, है ना। अब मैंने फॉर्म भरा, सिलेबस आया, मैंने देखा कोनिक सेक्शन डाल दिए। अच्छा, कोनिक सेक्शंस बोर्ड के सिलेबस में थे हमारे, लेकिन मुझे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि अपने आप पढ़ते थे मुझे बड़ी टफ लगती थी, है ना। आजकल तो यहाँ टीचर्स बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ईजी है, पर मुझे नहीं आती थी समझ में, क्योंकि अपने आप जितना आया नहीं आया। तो स्ट्रेट लाइन तो हो जाती थी, पर सर्कल देखते प्राण सूख जाते थे। वो लोकस शब्द आते कि हम सारा ज्ञान नष्ट हो जाता था। तो अब लगा कि जब सर्कल में घूम जाते हैं तो ये बोले तो नहीं होने वाले, है ना। तो हमने उसे उठा के देखा ही नहीं, एंड आई रिपीटेड, आई टुक अ ड्रॉप, है ना। तो बोर्ड तक तो वो हाइपरबोला पैराबोला था, बोर्ड का एक सस्ता पोर्शन होता है, वो अपने बढ़िया कर लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर साल भर उसको देखा ही नहीं, और एक क्वेश्चन आया था उसका, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक मुझे ध्यान है, जिसमें कुछ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह निकालनी थी उसकी, जो बहुत ही सरल था। और मुझे ये था कि ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर चूंकि मैंने साल भर उसको छुआ ही नहीं था, वो नहीं कर पाया, छूट गया, है ना। मेरी रैंक थी 391, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुई थी 376 पर। अगर वो एक क्वेश्चन कर लिया होता, है ना, तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया होता। नॉट दैट आई रिग्रेटेड, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, बट स्टिल देयर माइट हैव बीन पीपल हु माइट हैव रिग्रेटेड इट, है ना। एंड इफ यू कैन गेन समथिंग बेटर व्हाई लूज इट, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें एक एक क्वेश्चन कीमती होता है ना। जैसे कई बार लोग आयनिक से डर जाते हैं, है ना, कि आयनिक बढ़ा राउंड पे गया। जेई ने कम से कम 5-7 बार से ज़्यादा पिछले रिसेंट 10 सालों में जब आयनिक आई है, 5-7 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन की लाइन पूछी है कि भाई सॉल्ट है AX BY, KSP की और सॉलिबिलिटी का रिलेशन निकाल दीजिए। यहाँ से तो शुरू होती है यार आयनिक। बहुत डीप में जाकर जो उसकी खुदाई होती है, नहीं करनी तो छोड़ दो उसे, पर यार बेसिक फॉर्मूले एक बार आधे पौन घंटे, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में जो फॉर्मूले आते हैं ना, उसको एक बार रिवाइज करके फिर छोड़ दो उसे। वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर उतना लल्लू आ गया तो कर लेना, फिर पश्चाताप ना हो। जैसे मेरे मन में मैंने एक वो बात बताई आपको कि वो एक पैराबोला का क्वेश्चन था तो छूट गया था हमारा, तो वो अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे जो अभी सर ने इतनी सारी बातें बोली उसको थोड़ा सा कंक्लूड करें हम, तो सर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई एडवांस एक ऐसी सिचुएशन हो जाती कि जहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई हमें करने के लिए तो हमने सब कुछ कर लिया लेकिन आता कुछ भी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं सर। तो उसमें हमको क्या फोकस करना चाहिए? जैसा सर ने बोला कि भाई आपको जो टॉपिक बहुत पेन देते हैं, बहुत टफ लगते हैं, उनका एटलीस्ट इतना पोर्शन तो कर लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं तो आपका भी एटलीस्ट सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपका मान लीजिए वो गलत हो जाता है तो वही फिर डिसाइडिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप सबको ध्यान देना चाहिए। सर इसको एक दूसरे एंड पर ले जाते हैं। दूसरे एंड पर मतलब अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी की कि आप 40% सिक्योर कर लीजिए। अब जो बच्चा बिल्कुल उस पर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत प्रिपरेशन फ्लो में चल रही है, मेंस मान ली परसेंटाइल भी उसकी 99.9 आ गई है, वो बच्चा मान लो सोच रहा है कि अब तो मैं टॉप 100 में लेके आऊँगा, समथिंग लाइक दैट। तो रफली मान लेते हैं जैसे 70%, 75%, 80% वो तो टॉप 10 में भी आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सर कुछ, क्योंकि अभी हमने जितनी भी कन्वर्सेशन की मैक्सिमम सेंट्रिक थी 40% सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पर, उन बच्चों को क्या सर टिप दे सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, अगर हम जेई टॉप करने के कंटेंडर हैं तो फिर हम कुछ नहीं छोड़ सकते। ध्यान रखिएगा आपकी, फिर हम मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम रूटीन पोर्शन आपका कवर हो चुका है ना। लेकिन अब आपने क्या कवर करना होगा? अब आपको टिपिकली अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि हमारी वीकनेस पता कैसे चलेगी? आप पेपर को जितने सेक्शंस में तोड़ के देखेंगे, जैसे एक तो आप खूब सारे प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए, मतलब आपका कम से कम 10 से 15 फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट देने का मानस होना चाहिए इन 35 दिनों में। और जिस दिन आप फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट देंगे लगभग 12 घंटे इस काम में लगेंगे आपको। तो कैसे 3 और 3 6 घंटे का तो टेस्ट ही देंगे। और कोई भी टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस का दे रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस है यदि आप उतना ही टाइम उसके एरर रेक्टिफिकेशन पर नहीं देते। जैसे आपने 6 घंटे का टेस्ट दे दिया, पहले तो 6 घंटे का पूरा टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसके पेपर को उठाइए, एनालाइज करिए कहाँ कहाँ गलती हुई। अब आप कहेंगे हमारे तो 75% नंबर आते हैं तो हमारे तो ज़्यादा गलतियाँ हैं ही नहीं, अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई वहाँ नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। क्यों सिली मिस्टेक हुई? सिली मिस्टेक तो इसलिए हुई थी ना क्योंकि मन भटक गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि मन अभी भटक रहा है और जेई में नहीं भटकेगा, मन तो वैसा ही है ना। तो इसलिए कई बार विद्यार्थी सिली मिस्टेक्स के मार्क्स को भी अपने इमेजिनरी स्कोर में जोड़ लेते हैं और उसको जोड़कर वो अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं कि अभी तो 50% आ रहे हैं पर इस पेपर में मुझे 80% आता था, नहीं 50 ही आ रहे हैं। अगर 30% का लोचा है तो इसका मतलब मन में बहुत बिखराव है और वो मन एकदम से जेई में जाकर फोकस हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। जो अभी आ रहा है वही होगा, हो सकता है 2-5% प्लस हो जाए पर 30% का प्लस नहीं होना उसमें। तो आपको पहली बात तो जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए आपको अमीनो एसिड्स के वो नाम नहीं याद हैं, नेचुरली अमीनो एसिड्स की लिस्ट याद नहीं है, जो मेमोराइजेशन वर्क है जो आपके हाथ में है, कुछ छूटा हुआ है, पॉलीमर्स के नाम याद नहीं है, डेक्रॉन क्या होती है आप भूल गए, आपको वो तो तुरंत लर्न कर लेना चाहिए, ये बड़ा काम नहीं है। अरे हमें बड़ी नफरत है इससे, भैया तुम्हें जेई रैंक से नफरत हो गई तो कोई क्या करे तुम्हारा, है ना। जेई रैंक उस पर डिसाइड होगी। तो शुद्ध व्यवसायिक बुद्धि से सोचें आप, है ना, बिल्कुल फिक्स्ड 1 पॉइंट। आपको चाहिए क्या? आपको मजे लूटने या रैंक लानी है? मजे लूटने तो मर्जी है जो करिए, है ना, पर अगर रैंक लानी है तो जिस काम से रैंक आ सकती है वो करनी है। अगर आपको एक कोई लिस्ट याद करनी है पॉलीमर्स की, अमीनो एसिड्स के नामों की, वो आपको कर लेनी चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि जो आ सकता है उसको आपको प्रॉपर एक एक चीज़ को ढंग से करना चाहिए। बहुत डिटेल्ड पिन पॉइंटेड थ्योरी का रिविजन। मैं बार बार थ्योरी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 75-80% नंबर ला रहे हैं तो लॉजिक आपका अच्छा ही है, कंसेप्ट आपके अच्छे ही हैं, तो उनको, और कोई अच्छा कंसेप्ट है तो 36 बार उसको करके कुछ नया तो मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन आपके दिमाग से निकल क्या सकता है? निकल सकती है थ्योरी, और वो थ्योरी सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं होती, फिजिक्स और मैथ्स में भी होती है ना। कुछ उसके टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। मैथ्स में वो जो से स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं, है ना, तो वो क्या है? वो थ्योरी है। मतलब जो आपको लर्न करना है वो थ्योरी है। कहीं मेथड लर्न करना है, कहीं टोटके लर्न करने हैं। टोटके मतलब वो कि 1/(1 + x²) देखे तो tan इनवर्स x को y कर दो, ये क्या है? ये ट्रिक है, टोटका है, थ्योरी है, कुछ भी कह लें उसे, है ना। ये सब आपको प्रॉपरली एग्जॉस्टिवली रिवाइज करना है। कुछ डेरिवेशंस देखने तो उनको देख लीजिए, रीवर्क करिए। और सबसे बड़ी बात है अब पेपर्स देने की प्रैक्टिस करिए, पेपर्स देने की धुआंधार प्रैक्टिस करिए। और 12 घंटे लगेंगे, अगर आपको 12 घंटे से कम लग रहे हैं तो आप धोखा कर रहे हैं अपने साथ। क्यों? आपका कुछ क्वेश्चन गलत हुआ। मान लीजिए जैसे आपको लगा कि नहीं मान लीजिए मैंने वेक्टर्स 3D बहुत अच्छा किया है और आपका पेपर में क्वेश्चन वेक्टर्स 3D गलत हो गया, तो आप ये अरे तो हो जाएगा बाद में, ऐसे कह के आपने टाल दिया, तो फिर वो बाद में भी वेक्टर्स 3D का नहीं गलत होगा, किसी और का हो जाएगा। आपको केयरफुली एनालाइज करना है क्यों गलत हुआ, गलती क्या करी थी। अगर कुछ रफ वर्क का तरीका इम्प्रूव करके गलती इम्प्रूव हो सकती है तो रफ वर्क का तरीका सुधारना होगा। और अगर कैलकुलेशन में एरर थी तो अब क्या करूं कि कैलकुलेशन में एरर ना हो, वो तरीका सुधारना होगा। आप ये ट्रेस करने की कोशिश करें कि पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में जो सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं वो किस रेंज में होती हैं, है ना। पेपर 1 में ज़्यादा है या पेपर 2 में? t बराबर 0 से किस टाइम पर जाकर आप देखते हैं कि आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। जैसे ही आपको पता लगेगा वैसे ही आपका अलर्टनेस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मूर्ख हैं तो बुद्धिमान है, 70-80% नंबर आ रहे हैं, आप शानदार हैं, है ना, लेकिन अपनी ऊर्जा का लेवल धीरे धीरे कम हो गया। अब आपको पता है कि यार तीसरे घंटे में मेरा दिमाग घास चढ़ने चला जाता है ना, और लास्ट के आधे घंटे में फिर जागृत हो जाता है। तो आप अगर अपने आप को धक्का लगाएंगे तो जागृति आप आधे घंटे के पहले की बजाय 1 घंटे पहले भी ला सकते हैं। आप कॉन्शियस हो जाएंगे। गलती तब होती है जब आप गाफिल हो जाते हैं, जब आप थोड़ा सा आपका ध्यान गलती न होने पर से हट जाता है। जैसे आपको पतला का यहाँ गलती होती है वो गलती होनी बंद हो जाएगी। आपको तो मैक्सिमम ये पता लगाना है कि गलती होती कहाँ है, और वो इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये आपको खुद खोजनी पड़ेगा रिहर्सल टेस्ट और उसकी एनालिसिस के माध्यम से। बिल्कुल थोड़ा अपना एक एक्सपीरियंस मतलब मैं चाहता हूँ सर, आप की बात है वो आप एक बार जरूर मेंशन कीजिए यहाँ पे कि आप एक चीज़ बोलते थे कि बाय हार्ट याद होने चाहिए आपको नोट्स, ठीक है। एक आप लाइन यूज़ करते हैं अक्सर जो आखिरी के बच्चे जब टिप्स मांगने आते हैं आपसे, तो वो जो नोट्स होते हैं सर कहीं ना कहीं उसमें अक्सर ये भी सजेशंस रहते हैं कि भाई जब नोट्स पढ़ रहे हो आप तो एक तो होता है कि बस की रीडिंग लगाना शुरू की हमने, कोई टॉपिक उठाया कोई भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और उसको एक तरफ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे लिख लिख के भी याद करते हैं, अच्छी आदत है सर, लेकिन वो क्या कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं ना सर, सोच नहीं रहे होते हैं नोट्स के साथ साथ कि भाई जैसा आपने भी हम लोग टॉपर्स की बात कर रहे हैं 75% 80% वाले बच्चों की, तो सर वो क्या नोट्स पढ़ते हुए उनको ये भी सिनेरियोज इमेजिन करने चाहिए दिमाग में कि भाई ये सवाल तो आज तक पूछे हैं जेईई ने और क्या पूछ सकता है, उस और क्या पूछ सकता है, ट्रेंड किधर जा रहा है ना? यही नहीं नोट्स जब नाउ दैट यू हैव मेंशनड इट लेट बी अगेन क्लैरिफाइड, रिवाइज करने का मतलब है रजिस्टर बंद है और मैंने बोलना शुरू किया, मैंने मतलब विद्यार्थी ने, है ना, और वो पूरा चैप्टर धड़ 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 बोल जाए। 100 चैप्टर में PCM मिलाकर सारे 100 चैप्टर लाइन से रजिस्टर बंद करके तुम बोल सकते हो, तुम तैयार हो। हाँ, ये है बाय हार्ट होने का मतलब। उसको रीडिंग करना बाय हार्ट होना नहीं है। अगर मान लो कुछ भूल गए तो उसे रीड करो, रीड कर लिया बंद कर दो, फिर बोलो अच्छा अभी तो पढ़ा, अभी बोलते हैं अभी बोल दो। 90% केसेस में तुरंत नहीं बोल पाओगे, देख लेना करके, है ना। और अगर तुरंत बोल लिया अच्छी बात है, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ो, 2-3 पेज पढ़ लिए, बोल लिए, उसके बाद फिर बैक बॉन्डिंग से जाओ वापस, फिर बोल दो उसे 2-3 बार माइंड में उसे घुमाते रहो चक्र की तरह, तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा और वो नहीं निकलेगा फिर दिमाग से। और ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो काम ठीक नहीं होगा। ट्रू। तो कहीं ना कहीं जो सर ने बोला कि भाई एक दिन अगर आप पिक कर रहे हैं ना किसी फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तो पूरा दिन उसमें जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं सर ने बोला कि पेपर देने के बाद पेपर एक तो एक्टिव मोड में देना है, उसके बाद उसके एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके वीक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिवर्स रिवीजन करना है। कहीं ना कहीं जैसे आपको सब टॉपिक पता चला कि भाई इस वेक्टर 3D में ये सब टॉपिक मेरा वीक है, तो उस सब टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं ना कहीं।